हाँ जी, तो लास्ट में अपन ने किस पे बात कर ली थी, कॉनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और ये सब पे बात हो गई थी ना, कॉनकेविटी और इनइक्वालिटीज भी हो गई थी। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक फंक्शन, है ना। जैसे आपने कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे कि क्यूबिक है, इसके तीन रूट है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तीनों डिफरेंट हैं, ये तीनों सेम है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, एक आध कंडीशन 11th में रटा देते हैं कि हाँ तीन रूट होने की ये कंडीशन होती है ना, क्योंकि उस टाइम पे हमें ज्यादा इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, बस मोटा मोटा हम पर्टिकुलर एक आध टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक आध रिजल्ट याद रख लेते हैं। नाउ अपन पूरी अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि हाँ किस कंडीशन पे, कब, क्यों, कैसे, हर एक चीज, कि दो आएंगे, तीन सेम आएंगे, दो सेम आएंगे, या तीन अलग अलग आएंगे, या दो इमेजिनरी आएंगे, जो भी बातें हैं। तो हर एक पूरा, मतलब एक जनरल क्यूबिक का पूरा एनालिसिस कर लेंगे किस केस में क्या होगा, ठीक है ना। तो हेडिंग डालें, एक छोटा सा टॉपिक है या एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए अपन ये टॉपिक बना रहे हैं, ये मान लो ना, कि मार्केट में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि एनालिसिस ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक फंक्शन, है ना, एनालिसिस ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक फंक्शन। मान लो जनरल एक क्यूबिक दी हुई है आपको, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड ऑब्वियसली a इज नॉट इज इक्वल टू 0, अदरवाइज इट विल नॉट बी ए क्यूबिक। नाउ हम अब हर एक केस को देखेंगे और देख उसको जो जजमेंट हम लेंगे वो कहां से लेंगे, इसके डेरिवेटिव से लेंगे। तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, वाई डैश दिस विल बी 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है जी। नाउ मैं इस चीज को कैपिटल ए बोल देता हूं, इस चीज को बी बोल देता हूं, इस चीज को कैपिटल सी बोल देता हूं, ठीक है, सो दैट कि ये हमें क्वाड्रेटिक दिख रही है, कोई भी क्वाड्रेटिक आएगी, जो डेरिवेटिव होगा वो एक क्वाड्रेटिक आएगा। नाउ सारा खेल किसके ऊपर टिका है, इस क्वाड्रेटिक के ऊपर। अब क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में चर्चा करते हैं, जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो तीन ही चीजें होती हैं, डी ग्रेटर देन जीरो होता है, या डी बराबर जीरो होता है, या डी लेस देन जीरो होता है। डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, डी बराबर जीरो होता है तो रियल और सेम रूट होते हैं दोनों रूट अल्फा अल्फा, और डी लेस देन जीरो होता है तो उसका रूट नहीं होता है, ठीक है। इट मीन्स तो मैं अगर मैं केस इसका जो डी है, डी उसको मैं बोल रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अगर मैं केस वन लेता हूं कि जो डी आपका लेस देन जीरो आ गया, डी आपका लेस देन जीरो आ गया मतलब कि इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल रूट नहीं है। इट मींस अगर ये कैपिटल ए पॉजिटिव है, कैपिटल ए मतलब 3a, 3a मतलब स्मॉल ए, है ना, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कि इफ अगर ए पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है ए कैपिटल बी पॉजिटिव है और डी लेस देन जीरो है, तो क्या ये एफ डैश का ग्राफ होगा वाई डैश का, ऐसा अपवर्ड पैराबोला। और अगर मान लो ए लेस देन जीरो है तो पक्की बात है कैपिटल ए लेस देन जीरो है तो वाई डैश यू होगा, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा पूरा पूरा एक्स एक्सिस के नीचे। ये बात तो आपको समझ में आती है। तो इस केस में y डैश हमेशा पॉजिटिव है, y डैश इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और इस केस में y डैश इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इट मींस इसमें y डैश हमेशा जीरो से बड़ा है, कभी जीरो भी नहीं हो रहा, तो क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इसमें y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और खासियत क्या है, एफ डैश जीरो भी नहीं हो रहा, इसका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा, मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसी को पार्टीशन कंटिन्यू करते हुए इसका ग्राफ होना ना ऐसा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और ये जहां पे कॉनकेविटी चेंज होगी ना यहां पे भी डेरिवेटिव जीरो नहीं है, एक्स क्यूब की तरह ऐसे फ्लैट नहीं होगा, क्योंकि एक्स डेरिवेटिव कभी जीरो हो ही नहीं रहा, तो वो हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है ना, इस तरह से समझ में आ रहा है।
तो इस केस में ऐसा ग्राफ होगा, इस केस में ऐसा ग्राफ होगा। माइनस इनफिनिट पे वैल्यू हमेशा माइनस इनफिनिट होगी अगर ए पॉजिटिव है, और इनफिनिट पे इनफिनिट होगी। और अगर ए नेगेटिव वाला केस है तो माइनस इनफिनिट पे वैल्यू प्लस इनफिनिट होगी, और माइनस प्लस इनफिनिट पे माइनस इनफिनिट होगी। मतलब यू ग्राफ एक सीध में जाएगा, तो रास्ते में एक्स एक्सिस भी तो आएगी कहीं, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो एक्स एक्सिस कहीं पे तो होगी, कहीं पे तो होगी। तो मतलब एक जगह कट करेगा, एक जगह कट करेगा, मतलब इन दिस केस, इन बोथ दीज केसेस, व्हेन डी इज लेस देन जीरो, वेदर ए इज पॉजिटिव और ए इज नेगेटिव, एग्जैक्टली वन रियल रूट आएगा। और आपको पता है पॉलिनोमियल में हमेशा एन डिग्री के एन रूट होते हैं, तो तीन डिग्री है तो तीन रूट तो होंगे ही होंगे, तो एक रियल है तो दो इमेजिनरी होंगे, एंड टू आर इमेजिनरी। कॉन्जुगेट, क्योंकि ऑब्वियसली हम रियल फंक्शंस को डील कर रहे हैं, तो ये सब एबीसीडी रियल मान के चल रहा हूं मैं। आप क्वाड्रेटिक की फील्ड में मत चले जाना कि सर रियल नहीं हुए तो कॉन्जुगेट होना जरूरी नहीं है, वो दैट्स ट्रू है ना। अभी के लिए मैं एबीसीडी रियल के लिए ही बोल रहा हूं ना, ये सब रियल नंबर्स हैं तो उसी के लिए बात कर रहा हूं। तो एक रियल रूट आएगा और एक दो इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट आएंगे, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये हो गया पहला केस है ना, कि अगर क्यूबिक का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाए या हमेशा नेगेटिव हो जाए, अल्टीमेटली उसका डी लेस देन जीरो हो जाए, तो या तो वो इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली या डिक्रीजिंग होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द लीडिंग कोफिशिएंट, बट एग्जैक्टली एक ही रूट आएगा। हां जी मिटाने कर लिया तो तो देखो केस टू पे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा क्या लिख देता हूं कि आपका y डैश क्या आया था, 3ax² + 2bx + c। इसको मैंने बोल दिया था ax² + bx + c, और जो आपका d है दैट इज b² - 4ac, ठीक। और ये है आपका y बराबर ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। चलो इसके लिए बात कर रहे थे अपन। नाउ केस टू, केस टू व्हेन d इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब f डैश का d जीरो आ गया, d जीरो आ गया। अब अगर a पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ऐसा होगा, और अगर a नेगेटिव हुआ तो पैराबोला ऐसा होगा। f डैश का ग्राफ है ये, ठीक। नाउ ऑब्वियसली बात है, एक चीज समझो आप कि d बराबर जीरो आ गया, d बराबर जीरो होता है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होती है। yes, sir. तो y डैश को आप ऐसे लिख सकते हो कि y डैश विल बी a टाइम्स समथिंग x माइनस k का होल स्क्वायर टाइप की फीलिंग देगा आपको, दोनों रूट x माइनस k फैक्टर आएंगे, और ये बराबर क्या होगा, x बराबर k होगा। हां जी दोनों केस में ऐसी फील आएगी। नाउ अगर a पॉजिटिव है तो आप जब साइन स्कीम बनाओगे y डैश की, तो आपको क्या दिखेगा, k के इधर भी पॉजिटिव है, k के इधर भी पॉजिटिव है, बट k पे डेरिवेटिव जीरो है, मतलब फंक्शन इधर भी इंक्रीजिंग है और इधर भी इंक्रीजिंग है, यहां डेरिवेटिव जीरो है। तो कुछ कुछ f डैश का ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा इंक्रीजिंग, फिर स्लोप जीरो होगी, फिर ऐसी इंक्रीजिंग। हां जी, और अगर ऐसा हुआ तो यहां पे भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहां पे भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि y डैश या नेगेटिव है या भी नेगेटिव है, तो फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, देन इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल एट, मतलब इट विल स्टे एट सिंगल पॉइंट, है ना, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा उसका, यहां पर ऐसे करके फ्लैट होते ही ये ऐसे हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है नो डाउट, और ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है जी। लेकिन अब इसमें रूट्स का लफड़ा है, रूट्स का लफड़ा ऐसे है कि ये एक्स बराबर के है, अगर मान लो के पे वैल्यू भी जीरो हो गई फंक्शन की, डेरिवेटिव की तो है ही, और मान लो फंक्शन की भी वैल्यू जीरो हो गई,
इट मीन्स एक्स एक्सिस यहां से गुजरेगी, यहां से जी। और अगर k पे वैल्यू जीरो नहीं होती है फंक्शन की, मतलब x बराबर k फंक्शन का रूट नहीं है, तो या तो x एक्सिस यहां से गुजरेगी या x एक्सिस यहां से गुजरेगी। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ऐसा है तो ये तो वो केस हो गया एक्स क्यूब वाला, मतलब तीनों रूट यही है k k k। इस केस में थ्री रिपीटेड रूट्स आएंगे, तीनों रूट सेम आएंगे। और अगर एक्स एक्सिस ये है या ये है तो उस केस में क्या होगा, वन रियल रूट और जो दो रूट है वो ये होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है ना? मतलब ये तो क्या होंगे, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था, आपने पढ़ा होगा अगर फंक्शन का रूट के है उसके डेरिवेटिव का भी है तो वो रिपीटेड रूट होगा, तो यहां पर वो तीनों रूट यहां आ जाएंगे क्योंकि यहां फंक्शन उसको क्रॉस भी कर रही है। ठीक है ना? लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू के पे जीरो नहीं है, मतलब के डेरिवेटिव का रूट है उसका रूट नहीं है, तो डेरिवेटिव यहां जीरो हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक्स एक्सिस या तो यहां से गुजरेगी या यहां से गुजरेगी, तो उस केस में एक्जैक्टली वन रियल रूट ही आएगा। तो इस केस में क्या मैं ये बोल सकता हूं पॉइंट पर लगा के, कि इफ x बराबर k, तो पहले क्या करेंगे, स्टेप वन फाइंड f डैश x बराबर सॉल्व जीरो, सॉल्व करो इसको पहले, तो सॉल्व f डैश x बराबर जीरो और x बराबर k आ गया आपका। नाउ स्टेप टू क्या होगा, अगर f ऑफ k भी जीरो हो गया तब तो क्या होंगे, थ्री रिपीटेड रूट होंगे, मतलब तीनों रूट कैसे होंगे, k k k k के के, मतलब फंक्शन कैसा दिखेगा, स्मॉल a टाइम x माइनस k का क्यूब टाइम, ऐसा दिखेगा फंक्शन आपको। क्या ये बात सही है? Yes, sir. और अगर इफ f के जीरो नहीं हुआ तो पक्की बात है a की रियल रूट आएगा, एग्जैक्टली वन रियल रूट। हां जी क्लियर है? बस तो ये सीन हो गया कि अगर डेरिवेटिव जीरो आ गया उसका किसी एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे हो रहा है और वही पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो तीनों रूट सेम होंगे और अदरवाइज एक ही रूट होगा, दो नहीं होंगे, दो ही इमेजिनरी होंगे। चले? Yes, sir. हाँ जी, सबने नोट कर लिया ना? Yes, sir. देखो अब मैं बात करूंगा केस थर्ड की, जब डी आपका ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है तो देखो आपका जो वाई डैश है उसके दो रूट आएंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ऐसा, और लीडिंग कोएफिशिएंट बाहर ए। हाँ जी, अब अगर ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, अल्फा छोटा रूट मान लो, बीटा बड़ा रूट, सबसे राइट में प्लस फिर माइनस फिर प्लस। और अगर ए नेगेटिव है तो उस सीन में क्या होगा, कि बीटा के राइट में ये प्लस बट ए की वजह से नेगेटिव, तो नेगेटिव फिर प्लस फिर नेगेटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इस केस में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। समझ में आ रही है बात? अगर जो फंक्शन क्यूबिक है उसका डेरिवेटिव का अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो दो रूट आएंगे, मतलब साइन चेंज होगा, तो पक्की बात है ये डिप मारेगा, इसे मैक्सिमम मिनिमम देगा ही देगा। जैसे शुरुआत के दो केस थे डी बराबर जीरो और डी ग्रेटर लेस देन जीरो में, उसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया था, डी उसमें मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट ही नहीं आया था, एक्सट्रीमा आया नहीं था उसमें,
इस केस में 100% एक्सट्रीम आएगा अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो, यूनिट मरेगा ही मरेगा, वो डिपेंड करता है अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस इनफिनिटी से टू इनफिनिटी जाएगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इधर से आते हुए इधर से जाएगा। ये बात सही है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम तो देगा। चलो नाउ अगर मान लो एक्स एक्सिस यहां से गुजरती है तो कितना है रूट आएंगे, वन रियल रूट आएगा। अगर एक्स एक्सिस यहां से गुजरती है, इस टोपे को टच करती है, इसका मतलब एक रूट तो ये आ गया और दो रूट ये आएंगे, क्योंकि जब टेंजेंट होते हैं तो रिपीटेड रूट होते हैं, तो कम से कम दो रूट आएंगे, तो दो रूट ये और एक रूट ये, तीन रूट हो गए। लेकिन उस केस में दो सेम होंगे तो उस केस में क्या होंगे, थ्री रियल रूट्स, टू आर रिपीटेड, मतलब ऐसी कुछ फील आएगी, K1, K2, K2, और इसमें एक ही आएगा K1। अगर एक्स एक्सिस यहां से गुजर गई बीच से तो आपको तीन अलग अलग रूट दिख रहे हैं, थ्री रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, K1, K2, K3। हां जी, कोई परेशानी भाई? इतना श्योर है डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ क्यों डिप मारेगा? अब एक्स एक्सिस कहां से गुजरेगी वो भी तो डिपेंड करता है, नीचे से ऊपर से गुजरती है तो एक ही रूट आएगा। अगर ये वाली पीक पे ऐसे टच करती हुई गुजरती है या ये वाली बॉटम से टच करती हुई गुजरती है तो ये वाला सीन होगा, थ्री रियल टू रिपीटेड, और अगर बीच से यू गुजरती है तो तीन रियल आएंगे और तीनों डिस्टिंक्ट आएंगे। नाउ इट डिपेंड्स कि एक्स एक्सिस कैसे गुजरती है, तो देखो इसको मैं बोल रहा हूं एफ ऑफ बीटा और इसको मैं बोल रहा हूं एफ ऑफ अल्फा। तो ध्यान दो, जब एक ही रूट है या तो ये लाइन है या ये लाइन है, अगर नीचे नीचे वाली लाइन है तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा दोनों इस लाइन के ऊपर है, और अगर ये लाइन है तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा इस लाइन के दोनों नीचे है। अल्टीमेटली या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, अल्टीमेटली एफ ऑफ अल्फा इंटू एल्फो एफ ऑफ बीटा का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। और अगर मान लो ये वाली लाइन है नीले वाली जो इस टोपे को टच कर रही है या इसको टच कर रही है, टच कर रही है मतलब दो रिपीट कर रहे हैं, एक अलग रूट आ रहा है, तीन रूट आ रहे हैं, उस केस में या तो एफ ऑफ अल्फा जीरो है या एफ ऑफ बीटा जीरो है, मतलब एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा जीरो है। और अगर एक्सिस बीच से गुजरती है तो अल्फा और बीटा अपोजिट साइड में है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसमें हम क्या कहेंगे थर्ड केस में कि डी ग्रेटर देन जीरो है तो आपने दो रूट निकाल लिए अल्फा बीटा। नाउ अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव है तो एग्जैक्टली वन रियल रूट आएगा। अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा जीरो है, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग होने चाहिए रूट्स, है ना, अलग अलग होंगे तभी तो डी ग्रेटर देन जीरो है, देन थ्री रूट रियल रूट्स हैं बट टू आर रिपीटेड, मतलब अल्फा अल्फा कोमा बीटा, ऐसे दो दो कोमा तीन, इस तरह के रूट्स होंगे। और अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है तो 100% आपके थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। तो एक ही केस ऐसा होता है जब थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, जब डेरिवेटिव का डी ग्रेटर देन जीरो हो एंड एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा जो उसके रूट्स होते हैं उस पर वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, ये कंडीशन आपको क्यूबिक में वहां घटाई जाती है। या फिर अगर आपने पैराबोला पढ़ा हो तो वहां पे नॉर्मल्स की, कितनी नॉर्मल्स की, तीन नॉर्मल की कंडीशन जो आती है वो ऐसी आती है, ठीक है, उस टाइम वो रेडी होगी हमें, ठीक है जी। चलो ये आ गया, तो अल्टीमेटली पूरी क्यूबिक की हमने एनालिसिस कर ली, कब क्या हो तो कैसे कैसे सिचुएशंस बनेंगी और कैसे कैसे रूट्स आएंगे, रियल कब आएंगे, तीनों तीनों अलग कब आएंगे, दो सेम एक अलग कब आएगा, तीनों सेम कब आएंगे, है ना, हर तरह की बात हमने कर ली। कोई परेशानी किसी को? तो देखो
अगर मैं आपको तीनों के दोबारा याद कराऊं तो एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि दिस क्यूबिक इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक मतलब आइदर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो पक्की बात है उसका डी जो होगा डेरिवेटिव का वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करता है, क्योंकि केस वन और केस टू दोनों में वो मोनोटोनिक है। हाँ जी, सुनाई दिए कि मैंने क्या कहा? तो फंक्शन अगर मोनोटोनिक है, क्यूबिक मोनोटोनिक है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो या जीरो से छोटा होगा, क्योंकि केस वन में डेरिवेटिव जीरो से छोटा था तो भी वो मोनोटोनिक था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग था, दैट डिपेंड्स ऑन द लीडिंग कोफिशिएंट। एंड अगर इसमें क्या बोलते हैं सेकेंड केस जो था जिसमें डी बराबर जीरो था, उसमें भी वो या तो इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, ठीक है ना, तो दोनों ही केस में वो मोनोटोनिक है। तो क्यूबिक इज मोनोटोनिक मतलब पक्की बात है कि एफ डैश एक्स को आप क्या कर दो, जीरो या जीरो से छोटा, बस इतना काम करना सफिशियंट है। और अगर मैं कहूं क्यूबिक हैज एक्सट्रीमा, तो देखो केस वन और केस टू दोनों में एक्सट्रीमा नहीं आया था, ना तो मैक्सिमा आया था मिनिमा आया था, मैक्सिमम मिनिमा आने के लिए मतलब ग्राफ की शेप ऐसे डिप मारे वो तभी पॉसिबल है जब उसकी क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के डी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब एफ डैश एक्स ये क्या था, डी ऑफ एफ डैश एक्स, और ये है डी ऑफ एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो पक्की बात है उसका मैक्सिमा या मिनिमा आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक चीज और, कोई भी केस हो, कोई भी, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, चाहे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, चाहे वो यू था या चाहे वो यू था, अब ध्यान से देख लो हर केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ही आएगा। देखो यहां पे कॉनकेविटी चेंज हुई, यहां कॉनकेविटी चेंज हुई, इस केस में यहां तक कॉनकेविटी सेम थी फिर यहां से चेंज हुई, इस केस में यहां तक सेम थी फिर यहां से चेंज हुई। इसका रीजन भी है बिकॉज जो डबल डेरिवेटिव होगा क्यूबिक है, क्यूबिक का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव मतलब क्यूबिक का वो लीनियर होगा, तो लीनियर का तो एक ही रूट होता है और उसके अबाउट साइन चेंज होगा ही होगा, तो 100% हर क्यूबिक का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और एक ही होगा, तो पक्की बात है एवरी क्यूबिक हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। ये बात है, अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आ गई तो छोड़ें, जितना समझ में आए उतने में खुश रहें, है ना, मेंस वेंस में वैसे भी ज्यादा काम करनी है। चलो बस ये था, नाउ इस पे अपन दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ऑलमोस्ट वही होगी, लोकेशन ऑफ रूट्स आपको क्वाड्रेटिक में जो आपने 11th में पढ़ा है उससे रिलेट करके इसमें क्वेश्चन घुसा देंगे। अब आपको लोकेशन ऑफ रूट्स की कितनी समझ है और इसमें कितना आपने समझा है दोनों को रिलेट करके आपको वो इनइक्वालिटीज कंडीशंस वगैरह सॉल्व करनी होंगी, ठीक है। प्रॉब्लम कर लेते हैं, मैं आपको कंडीशंस बता दूंगा, उसके बाद आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ये नोट कर लो फिर क्वेश्चन कर लेना बिल्कुल। समझ में आ गया ना भाई सबको? कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया वो पूछ ले, बाद में फटफड़ाने से कुछ नहीं होगा, है ना, जो टाइम पे चीज चल रही होती है उसी टाइम पे सीख लेनी चाहिए, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए
ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू अपन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जो जो कॉन्सेप्ट हमने बात करी थी अब तक, और लोकेशनल रूट्स का एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा एक तरह से, तो क्या ठीक है। अब जैसे आपको फंक्शन दे दिया, इसके पांच अलग अलग पार्ट्स है ना, पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि ए बताओ सच दैट फंक्शन क्या हो, मोनोटोनिक हो। तो मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन के लिए क्या करोगे आप, मोनोटोनिक हो मतलब उसके एफ डैश का जो डी है वो जीरो या जीरो से बड़ा हो जाए, तो पहले तो वाई डैश निकालोगे, तो वो आएगा ए एक्स स्क्वायर, थ्री से थ्री कट जाएगा, प्लस टू टाइम्स ए प्लस टू एक्स प्लस ए माइनस, बस। अब जो ये है वो आपको क्या करना है, इसका जो डी है वो आपको क्या करना है, जीरो या जीरो से बड़ा करना है, क्योंकि मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है तो डी या डी जीरो से बड़ा करना है। तो फोर टाइम्स, हाँ सॉरी, लेस देन जीरो या जीरो से लेस देन प्रूव कर, बड़ा करना है, छोटा करना है। फोर टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इंटू ए माइनस वन इज लेस देन इज इक्वल टू जीरो, फोर से फोर कट गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर ए, इधर से आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए लेस देन इक्वल टू जीरो, ये आ गया फोर प्लस फाइव ए लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ए आ गया आपका माइनस चार बटा पांच या उससे छोटा, सो ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस फोर बाय फाइव क्लोज, सही है। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि उसका एक्सट्रीमा होना चाहिए, एक्सट्रीमा होना चाहिए मतलब डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो देखो लेस देन वाला सॉल्व करा है तो ग्रेटर वाले को सॉल्व करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ओपन फोर बाय फाइव टू इन्फिनिटी आएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है क्यूबिक के लिए, जहां डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव जीरो हो और वहां साइन चेंज हो, लेकिन क्यूबिक के लिए तो हमेशा डबल डेरिवेटिव एक लीनियर आएगा और एक रूट पक्का आएगा, लीनियर का रूट पक्का आएगा और उसमें साइन भी पक्का चेंज होगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो है ही, तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। नाउ कंडीशन इज कि वो पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब डबल डेरिवेटिव करके जो पॉइंट आएगा उसको पॉजिटिव कर दो। तो थर्ड पार्ट के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या निकालोगे, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव करो, टू ए एक्स प्लस टू टाइम्स ए प्लस टू, बस यहां से जो x आएगा इसको जीरो करके, तो x क्या आएगा, माइनस टाइम्स ए प्लस टू अपॉन ए, ये आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब जीरो से बड़ा सॉल्व कर लो, तो इनइक्वालिटी आ गई है, तो है ना, तो ए प्लस टू अपॉन ए शुड बी लेस देन जीरो, तो एक आंसर क्या आ गया, माइनस टू से लेके जीरो के बीच में आ गया ओपन, ठीक है। नाउ इट हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आप थोड़ा ध्यान दें, लोकल मैक्सिमा चाहिए मतलब मैक्सिमा मिनिमा आएगा, मैक्सिमा मिनिमा आएगा मतलब एक्सट्रीमा आएगा, एक्सट्रीमा आएगा मतलब ऑब्वियस सी बात है डी ग्रेटर देन जीरो तो होना ही पड़ेगा। यस सर। ठीक, तो अब इसके अंदर दो केस बनेंगे, केस वन अगर ये ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, और अगर केस टू ए नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है जी, ये हमने अभी बात करी थी। अगर ऐसा होगा तो जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स जो हमने निकाला वाई डैश, उसके जो दो रूट है वो ये अल्फा बीटा है, जो वो ऐसे हैं, एफ डैश एक्स बराबर अल्फा बीटा, अभी मैंने साइन स्कीम बताई थी, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और अगर ये केस हुआ तो आएगा माइनस प्लस माइनस। तो एक बात बताओ, अगर ए पॉजिटिव हुआ, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ और क्वांटिटी का डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये केस होगा, लेकिन इस केस में मैक्सिमा या मिनिमा कौन सा है, तो देखो ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, और इस केस में ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा पॉजिटिव चाहिए। अब आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करो लोकेशन ऑफ रूट में कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट होने चाहिए, पहली बात तो दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए क्योंकि अदरवाइज मैक्सिमा मिनिमा आएगा ही नहीं, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए पहली बात,
दूसरी बात, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो छोटा रूट जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा पॉइंट ही मैक्सिमा आएगा और वो आपको पॉजिटिव चाहिए। और अगर मान लो केस टू ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है मतलब ये सीन है, तो मतलब क्वाड्रेटिक में ये सीन मैक्सिमा तो ये देगा बड़ा रूट, तो इसमें बड़ा रूट आपको जीरो से बड़ा चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? भाई जब तक आप चीजों को रिलेट करके खुद के दिमाग में समझोगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कंडीशन क्या लगानी है। कि आपको यह समझ में आ गया कि पहली बात तो इसका डी ग्रेटर देन जीरो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी, एक्सट्रीमा आएगा नहीं। नाउ अगर ये केस है तो छोटा रूट है मैक्सिमा, और ये केस है तो बड़ा रूट है मैक्सिमा। अगर ए ये वेरिएबल ना होता ना यहां, फिर तो केस खत्म था, ये था बस खत्म, एक ही केस था। अब दो केस है। नाउ आपको क्या चाहिए? अगर ये है तब तो छोटा रूट जीरो से बड़ा चाहिए, और ये केस है तो बड़ा रूट जीरो से बड़ा चाहिए। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में सोचो, जो केस होते हैं, अगर मैं चाहता हूं छोटा रूट भी जीरो से बड़ा हो जाए, मतलब मैं लोकेशन ऑफ रूट का वो केस बोल सकता हूं कि बोथ रूट इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में क्या चाहिए? बोथ रूट्स ग्रेटर देन जीरो। और इस केस में इसमें अगर बोथ होंगे तो भी चलेगा, एक होगा बड़े वाला जीरो से बड़ा तो भी चलेगा, मतलब एटलीस्ट वन रूट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब एटलीस्ट वन में या तो ऑब्वियसली बड़े वाला जीरो से बड़ा होगा या दोनों बड़े होंगे। तो इसके अंदर खुद दो केस है, या तो दोनों रूट जीरो से बड़े हो या बड़े वाला रूट जीरो से बड़ा हो। अभी किसी को नहीं समझ में तुरंत पूछ लेना, लोकेशन ऑफ रूट्स का फंडा है कि इसमें दोनों रूट जीरो से बड़े होने चाहिए, इसमें एटलीस्ट वन रूट जीरो से बड़ा होना चाहिए। नाउ अब कहानी आ गई क्वाड्रेटिक के लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो उस टाइम अगर आपको याद हो अभी भी कि कोई क्वाड्रेटिक है, उसके दोनों रूट किसी के नंबर से बड़े होते हैं, तो तीन कंडीशन लगती है। एक लगती है डी पे, वो तो यह लगी गई। दूसरी लगती है लाइन ऑफ सिमेट्री पे कि माइनस बी बाय टू के से बड़ा होना चाहिए, और तीसरी लगती है ए इंटू एफ के की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। याद है क्या आपको? ये मिटा दूं? यस सर, यस सर। जिन्हें नहीं याद उन्हें मैं दोबारा याद करा दूं कि अगर आप क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं कि बोथ रूट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो इस केस में लगती है डी ग्रेटर देन जीरो माइनस बी बाय टू, वहां पे इक्वल टू जीरो चल जाता है, क्योंकि उसमें हम ये वाला केस अलाउड मानते हैं, ये वाला कि दोनों रूट बराबर भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां नहीं चलेगा, क्योंकि यहां अगर दोनों रूट बराबर कर दिए, डी जीरो कर दिया, फिर मैक्सिमम आएगा ही नहीं, फिर तो फंक्शन इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो यहां स्ट्रिक्टली ये वाला अलाउड नहीं है, यहां इस केस में लोकेशनल रूट्स में होता है वहां, ठीक है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा ये, तो ये ग्रेटर देन जीरो ही चाहिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री के से बड़ी चाहिए। तीसरा के अगर ये पॉजिटिव है, ए रीडिंग पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ के पे वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। और अगर ऐसा हो के नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो, तो आपको डी ग्रेटर देन जीरो चाहिए होता है, माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन के चाहिए होता है, दोनों रूट के से बड़े हैं, और एफ ऑफ के नेगेटिव चाहिए होता है। क्या आपको दिस, या तो ये और ये अलग अलग करके आप उनका यूनियन लेते हो, या अपन एक दो तो कंडीशन कॉमन है, और तीसरे में अपन क्या करते हैं, ए इंटू एफ के को ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं, क्लब कर देते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये तीन कंडीशन लगती है दोनों रूट जीरो से बड़े होने पर। याद है? हाँ जी, क्लियर है? ये तीन कंडीशन लगती है उसमें, इस केस में, सिर्फ पर्टिकुलर इस केस में। बोलो। यस सर। तो देखो मैं कंडीशन लगा रहा हूं, तीन कंडीशन लगेंगी इस इधर वाले केस वन की बात चल रही है। तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो डी ग्रेटर देन जीरो तो आई गया। तो डी ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करके आपने क्या निकाला था अभी, आंसर बताना पीछे जो हमने लिखा है, ए ग्रेटर देन फोर बाय फाइव आएगा क्या? माइनस फोर बाय फाइव टू इन्फिनिटी। तो ये तो हमने कर ही चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमें क्या चाहिए, माइनस बी बाई टू ए, तो क्वाड्रेटिक कहां गई? मैं दोबारा लिखूं, वाई डैश विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस टू एक्स प्लस ए माइनस वन। तो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन चाहिए, तो माइनस बी अपॉन टू ए, टू इंटू ए, ये आपको जीरो से बड़ा चाहिए। तो अब आपका ए प्लस टू अपॉन ए जीरो से छोटा चाहिए, मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस टू से जीरो चाहिए। ये आ गई दूसरी कंडीशन, इससे आइए माइनस बी बाई टू जीरो से बड़ा होना चाहिए। तीसरी क्या आएगी, जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जीरो रखा, जीरो रखा, जीरो रखा, सॉरी इसमें जीरो रखा, जीरो रखा,
तो वाई डैश जीरो भी दो से बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, तो जीरो रखोगे तो ए माइनस वन, ए शुड बी ग्रेटर देन वन। तो देखो यहां से ये कह रहा है माइनस दो से जीरो के बीच हो जाए, और ये कह रहा है ए एक से बड़ा हो जाए, तो इन तीनों से आपको इंटरसेक्शन से ए बिलोंग्स टू फाइव दिख रहा है। अभी अगर वन इंटरसेक्शन टू इंटरसेक्शन थ्री करोगे ए की केस के अंदर, सब इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ए बिलोंग्स टू फाइव आ गया। नाउ दूसरे केस पे आ जाओ, केस टू पे, इस पे जब ए नेगेटिव है, ए तो नेगेटिव है ही पहली बात, उसके बाद अब आपको क्या चाहिए कि एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, हाँ इसका मतलब या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो या एक रूट पॉजिटिव हो, फिर दो केसेस के अंदर एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव और या बोथ रूट पॉजिटिव, ठीक है। अब बोथ रूट पॉजिटिव के अंदर अगेन डाउनवर्ड पैराबोला है, ये वाली कंडीशन लगेगी, तो डी ग्रेटर देन जीरो लगेगा, वो हम सॉल्व कर चुके हैं, वहां से ए बिलोंग्स टू आ चुका है माइनस फोर बाय फाइव टू इंफिनिटी। दूसरा हमें पता है माइनस बी बाय टू है, जीरो से बड़ा सॉल्व करना है, तो वही कंडीशन आएगी ए बिलोंग्स टू माइनस टू से जीरो। तीसरी कंडीशन आएगी एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो ए शुड बी एक से छोटा, तो यहां जरा टाइम ही लगेगा क्योंकि वही इनइक्वालिटी एक है वो उल्टी हो जाएगी, बाकी दो तो हमने सॉल्व कर ही रखी है। तो ए एक से छोटा चाहिए, ए माइनस दो से जीरो चाहिए, ए माइनस चार से पांच से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों का अगर अपन करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है ना, तो देखो माइनस चार बटा पांच से लेके जीरो के बीच में आ जाएगा, उसके बाद इधर वन रूट, वन रूट के लिए मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, मतलब जीरो रूट्स के बीच में आएगा, तो ये भी लोकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ते हो, कोई नंबर जब रूट्स के बीच में आ जाता है तो ए इंटू एफ के नेगेटिव होना चाहिए, और डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक रूट जीरो इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कंडीशन लगाना सफिशियंट है, डी वगैरह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या बोलोगे, एफ ऑफ जीरो शुड बी पॉजिटिव, सही है, इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है, ये बात पक्का शो करती है ना इसको। हाँ, तो इसमें जीरो पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन वन। अब इसका और इसका क्या लोगे, यूनियन, क्योंकि ये अलग केस है ये अलग केस है, तो ए यहां से लेके यहां तक का यूनियन आ गया, लेकिन बाद में आप इसका इससे इंटरसेक्शन जरूर लोगे, क्योंकि ये सारा केस वैलिड ही तब है जब ए लेस देन जीरो हो। तो ग्रेटर देन वन वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है मतलब ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो अगर रूट अपोजिट चाहिए तो जीरो पे साइन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ए माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक से बड़ा, तो ये कह रहा है एक से बड़ा और ये कह रहा है नेगेटिव, तो यहां से तो कुछ आएगा ही नहीं, तो इसको छोड़ सकते हो, पहले इन दोनों का यूनियन लोगे, फिर उसका इससे इंटरसेक्शन लोगे, तो फाइनल आंसर एक ही आएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस चार पांच से जीरो। क्या ये फाइनल आंसर आएगा? तो केस वन का आंसर आया फाइव, केस टू का आंसर आया ये, इन दोनों का यूनियन ले लोगे, अगेन फाइनल आंसर यही आएगा, तो कंप्लीट आंसर विल बी दिस। तो सोचो इसके पीछे एनालिसिस कितनी करनी पड़ रही है, अब वो डिपेंड करता है, एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बट एक बात है कि आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या केसेस पॉसिबल है। देखो लोकेशन ऑफ रूट्स जब आपने पढ़ा होगा आपको पता है कि वहां बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बट प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, क्यों, इतने कंडीशन को दो तीन मिनट के अंदर करना डील करना इजी नहीं है, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव पेपर जब होता था तो आ जाते थे, ठीक है, तो क्वेश्चन ये तो छोटा आएगा जिसमें कंडीशंस कम होंगी, लेकिन ये केस ऐसा था कि जिसके अंदर हमें देखो पॉजिटिव मैक्सिमा है, मतलब क्वालिटी का डी तो चाहिए उसके, और उसके या तो दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए, इस केस में एक रूट पॉजिटिव चाहिए, तो इसके अंदर एक केस, इसके अंदर दो केस, और हर केस में दो दो तीन तीन कंडीशन, और सबको फिर इस तरह सॉर्ट आउट करके आप फाइनल आंसर जो आया आपका वो ये आया। क्या ये बात क्लियर है? अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो पूछ ले, और किसी को टॉपिक ही नहीं आता लोकेशन ऑफ रूट्स तो फिर आई विल रिकमेंड कि पहले आप लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ें क्वाड्रेटिक का, देन ये क्वेश्चन करें, बिकॉज अल्टीमेटली लोकेशन ऑफ रूट्स ही कर रहे हैं, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, सही है? Yes, sir. चाप लो इसको।
अब एक बार रह गया थ्री रिपीटेड रूट्स। तो थ्री रिपीटेड रूट्स मैंने अभी बताया था कौन से केस में था, केस टू में, जब डी बराबर जीरो हो जाए और वही जो रूट है जिसपे फंक्शन डेरिवेटिव जीरो है। पहले तो आपका चाहिए डेरिवेटिव परफेक्ट स्क्वायर चाहिए आपको, डी बराबर जीरो चाहिए, उसके बाद वो जो डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे जीरो होता है वही पॉइंट पे फंक्शन भी जीरो हो जाए, याद है ना अभी बताया था। यस सर। हाँ तो पहले तो अपन क्या करेंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, डी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो D should be equals to 0, तो वहां से A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस चार बटा पांच आ गई। ठीक है यही आई थी ना अभी, ना इसको सॉल्व कर लेना यही आएगी। नाउ इसको इसमें रख दो तो ये क्या बन गया, माइनस फोर बाय फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स माइनस फोर बाय फाइव प्लस टू, टेन माइनस फोर सिक्स बाय फाइव एक्स माइनस फोर बाय फाइव माइनस नाइन बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव कॉमन ले लिया, अंदर बच गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस नाइन, तो ये बन गया आपका 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बन गया। तो x बराबर कितना आ गया, तीन बटा दो आ गया, जिसपे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है ये पॉइंट। अब अगर इस पे आपको तीन रूट चाहिए रिपीटेड, मतलब x एक्सिस यहीं से पास होनी चाहिए, मतलब फंक्शन की वैल्यू भी तीन बटा दो पे जीरो होनी चाहिए। yes, इसको उठा के फंक्शन रख दो, ऑल्सो एफ ऑफ थ्री बाई टू शुड बी जीरो। तीन बटा दो इसमें रखा तो y बराबर a बाय थ्री इंटू तीन बटा दो, मतलब नौ सत्ताईस बटा आठ प्लस a प्लस टू इंटू नौ बटा चार प्लस a माइनस वन इंटू एक्स तीन बटा दो प्लस दो, a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, माइनस चार बटा पांच, वो भी रख दो यहां, तो माइनस चार बटा पांच ये तीन इससे गया, तो नौ बटा आठ माइनस चार बटा पांच प्लस दो दस माइनस छह चार बटा पांच इंटू नौ बटा चार, माइनस चार बटा पांच माइनस नौ बटा पांच इंटू तीन बटा दो प्लस दो, अब ये कितना आ गया, इसको चार से इधर गया दो, ये दो से गया ये तीन, तो ये आ गया माइनस नौ बटा दस सत्ताईस बटा दस माइनस सत्ताईस बटा दस, ये कट गया प्लस दो बीस माइनस नौ ग्यारह बटा दस, तो ये जीरो तो नहीं आया, जीरो तो नहीं आया मतलब कि इसके तीन रिपीटेड रूट नहीं हो सकते, तो ये बिलोंग्स टू क्या आ गया, फाइव आ गया। अगर ये आ जाता मतलब ए की ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल थी। हाँ जी ठीक, और इसी को करने का मेथड टू भी है, क्योंकि अब आपको पता है क्योंकि अगर तीन रिपीटेड रूट है अल्फा अल्फा अल्फा, मतलब उसका थोड़ा कैसा होगा, लीडिंग कोफिशिएंट तो यही होगा ए बाय थ्री, और अंदर कैसा होगा एक्स माइनस अल्फा का क्यूब होगा। हाँ जी यस सर। यस सर। और ये इसके बराबर कर दो, अब इसको ओपन कर लो और ये कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट, तो कंपैरिजन से ए और अल्फा में रिलेशन आ जाएंगे, अल्फा एलिमिनेट कर लो ए का आंसर वहां से भी पॉसिबल है। ठीक है जी क्लियर है सबको, कि अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बराबर कुछ आएगा, है ना, या मान लो हाँ
इसको इधर ले जाओगे या तो सभी लीडिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट के जीरो कर देना, या इसका और इसका बराबर कर देना, तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स एक्स बराबर ए, और अल्फा में कुछ रिलेशन आएंगे, अल्फा एलिमिनेट कर लेना, ए में इक्वेशन आ जाएंगी दो सपोज, तो दोनों से अगर ए सेम आता है या दोनों को सेटिस्फाई करता है तो आंसर वो आ जाएगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि आंसर फाइव आ रहा है तो वहां से भी आप देख लेना पॉसिबल नहीं है। एक वन ऑफ द दूसरा मेथड है कि बिना डेरिवेटिव के, क्योंकि तीनों रूट सेम है तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, ऐसी होगी तो हमने मान ली और खोल दिया इसको, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो, कोई परेशानी? ठीक चल, मिटा दे। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एक दो क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं थोड़े, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इफ दिस क्यूबिक हैज थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, then prove that 4pq plus 27q square less than 0, ये प्रूव करना है। तो शुरू हो जाते हैं, थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, जब इसका जो डेरिवेटिव है उसका डी ग्रेटर देन 0, पहली बात तो इसका जो डी है डी वो क्या आएगा, बी स्क्वायर जीरो, एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, माइनस फोर इंटू ए इंटू पी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इट मींस पी शुड बी लेस देन जीरो, पहली बात तो ये डी होना चाहिए। नाउ दूसरी बात हमने क्या बोली थी, इसका मतलब है डी ग्रेटर देन जीरो होना ये निश्चिंत नहीं करता कि तीन रूट है, ये तो सिर्फ ये निश्चिंत करता है कि ग्राफ ऐसे जिगजैग करके जाएगा, ऐसे दांचता हुआ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम देगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसा है। नाउ थ्री रूट्स तो इस बात पर डिपेंड करेंगे एक्स एक्सिस यहां से गुजरेगी या यहां से गुजरेगी, तो एक्स एक्सिस को यहां से गुजरना पड़ेगा तब जाके तीन रूट आएंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैंने अभी बताया कि ये जो रूट आया ये किसका रूट है, क्वाड्रेटिक का, एक रूट आएगा के वन और ये वाला जो रूट आएगा वो आएगा किसका, क्वाड्रेटिक का, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वहां पे। तो हमने कंडीशन क्या निकाली थी कि एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। तो इसके रूट्स निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस पी बाय थ्री, तो x क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस पी बाय थ्री। अब यहां पे किसी की छाती में दर्द ना हो कि सर ये क्यों डिफाइंड है, बिकॉज p नेगेटिव है वो तभी डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये दो रूट्स आ गए x1 मतलब k1 k2 है ना, k1 क्या आ गया रूट ऑफ माइनस पी बाय थ्री और k2 क्या आ गया आपका रूट ऑफ माइनस माइनस पी बाय थ्री। और रूट्स निकालने की ऐसे जरूरत ही नहीं थी अलग से, बट चलो मैंने फिर भी आपको बता दिया। Now, आपको पता है सम ऑफ रूट्स यहां से दिख रहा है माइनस बी बाय ए और यहां से भी दिख रहा है जीरो है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है के वन के टू, दोनों को गुना कर दो तो प्लस पी स्क्वायर बाय थ्री आ जाएगा, सॉरी पी बाय थ्री, सी बाय ए से भी बता सकते हो। ये चीजें मैंने लिख ली क्यों, क्योंकि ऐसी चीजें क्वाड्रेटिक में जब प्रूव करते थे तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की नीड बढ़ जाती है, ठीक है जी। अब बताओ क्या करोगे, इनइक्वालिटी कहां से लोगे, इनइक्वालिटी कहां से इंट्रोड्यूस करोगे, यही से है f of k1 into f of k2 नेगेटिव चाहिए, यही तो कंडीशन लगेगी तभी तो निश्चिंत होगा कि यहां तीन रूट है, पहली बात तो p नेगेटिव है ठीक है मान लिए, दूसरी बात ये चीज भी तो होनी चाहिए, तो ये चीज मतलब f of k1 मतलब इस k1 पे इसकी वैल्यू मतलब f of ये मतलब k1 cube plus pk1 plus q और f of k2 मतलब के टू क्यू प्लस पी के टू प्लस क्यू। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तो ये आप के वन और के टू की वैल्यू उठा के रख दोगे, वो थोड़ा गंदा सा आएगा, क्यों, क्योंकि क्यूबिक करोगे तो पावर थ्री बाई टू आएगी और सिंगल रखोगे तो पावर हाफ आएगी, कैलकुलेशन विल बी अ लिटिल बिट मेसी है ना। तो अपन को थोड़ा इजी करना है, तो मैं ऐसे फंडे अपन क्वाड्रेटिक में खूब करते हैं, मैं ऐसा करूं के वन को कॉमन लेता हूं, कॉमन लेते बन गया के वन स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू,
और ऐसे इधर के टू कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, के टू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू लेस देन जीरो, और के वन स्क्वायर देखो क्योंकि के वन और के टू इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो थ्री के वन स्क्वायर प्लस पी बराबर जीरो है और थ्री के टू स्क्वायर प्लस पी बराबर जीरो है। तो अगर के वन स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो माइनस पी बाय थ्री, तो माइनस पी बाय थ्री प्लस पी, ये कितना बन गया टू पी बाय थ्री, तो टू पी बाय थ्री इंटू के वन प्लस क्यू, ऐसे ये बन गया टू पी बाय थ्री इंटू के टू प्लस क्यू लेस देन जीरो। नाउ इनको गुना कर लो तो देखो फोर पी स्क्वायर बाय नाइन के वन के टू प्लस क्यू इंटू टू पी बाय थ्री कॉमन आ जाएगा और बचेगा के वन प्लस के टू और प्लस आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है बस लेस देन जीरो, और के वन प्लस के टू तो जीरो है तो ये खत्म होगी कहानी। तो यहां पे आ गया फोर पी स्क्वायर बाय नाइन के वन के टू प्लस क्यू स्क्वायर लेस देन जीरो, के वन के टू की वैल्यू डाल दी पी बाय थ्री, तो फोर पी क्यूब बाय सत्ताईस प्लस क्यू स्क्वायर लेस देन जीरो, फोर पी क्यूब 27 क्यू स्क्वायर। हाँ जी कुछ नहीं करा, डी एक तो उसका नेगेटिव और जीरो होना चाहिए था, उसके बाद एफ ओ के वन एफ ओ के टू वैल्यू नेगेटिव है। अब बात है कि वो आपकी स्मार्टनेस के ऊपर है, अब सीधे इसमें वैल्यू रख के थोड़ा रायता फैलाओ या थोड़ा अच्छे से डील करो ताकि सुंदर सुंदर आंसर आते रहे, कहीं बीच में गंदी पावर ना आए। तो मैंने इस तरह से डील करा और ये सब क्वालिटी में सीखा रखा होता है, ये होता है ये होता है, और कभी भी रूट्स को दिए हैं तो उसको इसमें रख दो ताकि वो चीज़ यूज हो सके। तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ यूज कर लिया, सही है। हाँ जी सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड इंटरवल इन विच के शुड लाई such that at least one root of x cube minus 2x square minus 4x plus k बराबर 0 lies in minus 2 to 0। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक में जरूर करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में, कि कम से कम इसके बीच और इसके बीच एक रूट आ जाए तो हम बोलेंगे एक रूट आ जाए या दो रूट आ जाए, केस बनाएंगे लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह से चीजों को देखेंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ्स। लेकिन क्यूबिक का तो कोई फंडा नहीं अपने पास, क्यूबिक में तो अपन पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालते। तो ये क्वेश्चन जो आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज, तो इसको कैसे डील करेंगे, इसमें वेरिएबल घुसेड़ दिए इसने, वेरिएबल घुसेड़ के बोल रहे हैं कि इसका रूट इसके इसके बीच में लाई कर जाए, कम से कम एक तो करी जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन कैलकुलस की हेल्प लेंगे। मैं पहले इसका फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस कराए तो मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट को एक बार छोड़ के ग्राफ को देखते हैं फिर कॉन्स्टेंट से एनालाइज करते हैं फर्क क्या पड़ेगा। के ऐड करने से तो ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट ही होगा, ये आप मानते हो ना, है ना। तो मैंने एक बार फंक्शन ले लिया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 4x, इसको तो देखूं मैं, इसका थोड़ा देखूं क्या है फिर बात करेंगे।
तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, x कॉमन आ गया, अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर। तो रूट्स की बात करें फंक्शन की, तो एक रूट तो x बराबर जीरो दिख रहा है आपको, और दूसरा रूट है इस क्वालिटी के रूट्स। तो इस क्वालिटी के जो रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर चार माइनस माइनस फोर ए सी सोलह, सोलह चार बीस टू रूट फाइव अपॉन टू। इसकी नीड चाहे ना भी हो, बस मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं कि ये रूट्स आ गए इसके। नाउ इसका एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो आएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर, फैक्टर आ गए थ्री एक्स स्क्वायर छह एक्स प्लस दो एक्स माइनस चार। थ्री एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस दो प्लस दो एक्स माइनस दो, तो देखो एक्स माइनस दो और थ्री एक्स प्लस टू फैक्टर आ गया, इट मीन्स माइनस दो बटा तीन और दो, इसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इस पे और इस पे वैल्यू निकाल लो। तो एफ ऑफ टू क्या होगा, दो इसमें रखोगे तो आठ माइनस आठ माइनस आठ, तो माइनस आठ आ गया, और एफ ऑफ माइनस दो बटा तीन भी रख लो तो माइनस आठ बटा सत्ताईस, माइनस आठ बटा सत्ताईस माइनस माइनस प्लस आठ बटा तीन, एलसीएम आ गया सत्ताईस आठ आठ तीन नौ नौ आठ बहत्तर, बहत्तर में से सोलह नहीं सही है क्या, ये नौ आएगा नौ, तो माइनस आठ माइनस चौबीस प्लस बहत्तर मतलब अट्ठाईस बत्तीस चालीस बटा सत्ताईस आ गया। चलो अब एग्जैक्ट इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखना, माइनस दो बटा तीन और इधर ये दो, रूट है रूट फाइव माइनस वन और रूट फाइव प्लस वन, तो देखो रूट इससे भी आगे आएगा है ना, उसको कोई मैटर नहीं करता यहां पर फिर भी, और इधर रूट फाइव माइनस वन आ जाएगा। फंक्शन यहां तक बढ़ रहा है, यहां से आ रहा है ये रूट हुआ, यहां तक फंक्शन बढ़ा, कहां बढ़ा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 40 बटा 27, फिर फंक्शन घटना शुरू हो गया, फिर एक रूट इसका जीरो भी है तो जीरो से भी गुजरेगा, फिर दो तक फंक्शन घटा, घटते 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 वैल्यू आ गई माइनस एट तक, फिर फंक्शन बढ़ना शुरू हुआ, फिर एक रूट ये है इसका, ये रूट फाइव प्लस सही है, ये बनेगा भाई ग्राफ किसका, इसका। नाउ अब वो कहना क्या चाह रहे हैं ध्यान दो, वो कहता है इसका एक रूट माइनस दो से जीरो के बीच में हो जाए, ये है जीरो, ये रूट फाइव माइनस वन है, सॉरी वन माइनस रूट फाइव है, वन माइनस रूट फाइव है, तो माइनस दो तो इसके इधर होगा, इधर ये तो माइनस वन पॉइंट टू फाइव है, माइनस दो यहां होगा, तो वो क्या चाहता है यहां से ऊपर, मतलब यहां से लेके यहां के बीच इस दौरान में एक रूट आना चाहिए, तो ये आ रहा है अभी, तो ये वाला रूट आ रहा है, अगर k जीरो हो इस केस में क्या है, इस केस में क्या है x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के, है ना, मान लो मैं दिए हुए फंक्शन को gx बोलता हूं, पूरे को gx बोल रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं ये gx का ग्राफ है जब k बराबर क्या है जीरो है, ये बात समझ में आती है। अब अगर मैं k को हल्का सा वैल्यू लू, मान लो 0.2 प्लस की वैल्यू ले ली, तो क्या ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा? Yes, sir. तो ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा, अगर k पॉजिटिव होता है तो, अगर k नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा,
अगर के नेगेटिव होता है तो तुम्हें समझ में आ रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है तो ग्राफ यूं जा रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो ग्राफ यूं जा रहा है, हमें रूट चाहिए माइनस दो से जीरो के बीच। अब देखना ध्यान से गजब की चीज, मैंने के नेगेटिव करा नीचे, मैंने और नेगेटिव करा और नीचे, चलते 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 एक टाइम आएगा जब ग्राफ इसको टच करेगा यहां पे, उसके बाद अगर मैं के को और नेगेटिव कर दूंगा तो ये ग्राफ यू नीचे से निकल जाएगा। तो उसके बाद क्या कभी भी इसके और इसके बीच में रूट आएगा क्या? देखो अभी तो ये रूट आ रहा था, थोड़ा सा नेगेटिव हुआ फिर भी आ रहा है, थोड़ा और नेगेटिव होगा बीच में फिर आएगा। लास्ट एक्सट्रीम केस क्या होगा? जब ये टोपी इसको टच कर जाएगी, ये पीक जो टच आती 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 नीचे टच कर जाएगी, उस टाइम पे भी इसके और इसके बीच में ये वाला रूट आएगा। लेकिन उसके बाद अगर के हल्का सा और नेगेटिव कर दोगे तो ग्राफ नीचे खिसक जाएगा, तो उसके बाद भी रूट आएगा क्या? बस तो ये एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस है ना ये वाला। तो इसको नीचे किसका आने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? 40 बटा 27 था, तो अगर मैं k की वैल्यू माइनस 40 बटा 27 कर दूंगा, दिए हुए फंक्शन की वैल्यू माइनस 2 बटा 3 पर 40 बटा 27 है और मुझे क्या करनी है वो जीरो, तो मुझे k की वैल्यू नीचे लानी पड़ेगी, मतलब k की वैल्यू मुझे माइनस 40 बटा 27 तक ले जा सकता हूं। उसके बाद अगर मैंने k और नेगेटिव में करा तो फंक्शन नीचे चला जाएगा, मतलब कोई रूट नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे इधर देखो, k को मैंने हल्का सा बढ़ाया तो इधर आ गया, और बढ़ाया तो रूट इधर आ जाएगा, है ना, ये वाला तो हिस्सा इधर निकल ही जाएगा, इधर से तो रूट आ ही जाएगा कभी माइनस दो से जीरो के बीच। एक्सट्रीम केस क्या होगा? जब ये वाला पॉइंट यहां से पास कर जाएगा, सही है ये वाला? यस। लेकिन वो वाला के भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जैसे ये वाला के तो एक्सेप्टेबल है, माइनस 40 बटा 27 एक्सेप्टेबल है क्योंकि उस टाइम पे भी वो टच करके रूट दे रहा है, लेकिन जिस टाइम ये माइनस 2 से गुजरेगा तो उसको रूट तो माइनस 2 क्लोज से थोड़ी चाहिए, माइनस 2 ओपन से 0 ओपन के बीच चाहिए। तो इस केस में भी माइनस 2 ओपन 0 के बीच में कोई रूट नहीं होगा, मतलब इस केस में भी जो के होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बट हाँ, उस पर बाउंड्री कंडीशन लगा के उस पर ओपन लगा सकते हो कि उससे कम वाला के एक्सेप्टेबल होगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बस yes, sir. तो आप ये सोचो कि माइनस 2 रखने पे 0 आए तो k की वैल्यू क्या हो, तो माइनस 2 रखोगे तो माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस k बराबर 0, मतलब k की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो k की वैल्यू 8 अगर होगी तो ये वाला केस आएगा, ये वाला। तो 8 नहीं अलाउड है बट 7.99 तक अलाउड है, उसके बाद तो ग्राफ आगे निकल जाएगा, मतलब ही नहीं है। तो कुल मिला के आपने एनालाइज करा, k कैन बी माइनस 40/27 टू ओपन 8 सच दैट दिस क्यूबिक विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन दिस रीजन। ठीक है जी? यस सर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रूट एनालिसिस ऑफ क्यूबिक, है ना। मैक्सिमम मिनिमम ऑलमोस्ट सब चीजें हो गई हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बची हैं जो एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड में भी आती है, इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस में भी, है ना। वो मैं अलग से कराऊंगा लास्ट में, है ना। अपन अलग सेगमेंट में चलेंगे कल, रॉल्स थ्योरम एलएमवीटी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। एओडी का एक काफी हिस्सा हमने निपटा लिया बट वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर एडवांस में, और आजकल तो इवन मेंस में भी क्वेश्चन आने लगे हैं उस पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी ऐसे मेंस में इसके पर्पज से आप छोड़ सकते हो ना, थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ी सी ग्राफ्स में और इस चीजों को समझोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है, छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी का अपन कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।